खुदी बोलो बो, विकी। और ये कौन है? विकी विकी आपका ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल एकदम। थोड़ा सा शांत बैठेंगी, अब एक महीने शांत बैठेंगे डॉक्टर। मम्मी तब भी बोली आयुर्वेदिक कोई कुछ हो तो देख लो। तो मैं हमारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती हूँ कि पेशेंट को इस रूम से बाहर ना निकलना दिया। मतलब हॉस्पिटल को चकमा देने वाली बात है। तो ऑपरेशन को कम से कम जैसे कुछ 4 घंटे के आसपास हो चुके हैं सक्सेसफुल जो हुआ, और मम्मी अभी तक सो रही है, मम्मी अभी तक ना उठ नहीं पा रही है। इस बुआ का ऑपरेशन हो रहा है तो इसलिए रो रही है। लाओ सबको आरती दे दो। लीजिए मैं तो जा रही हूँ ऑपरेशन के लिए, लेकिन सभी को आरती, सारी मनोकामना सारी इच्छाएं भगवान जी आपकी पूरी करे और आप बहुत सारी बुलंदियां छुएं इतनी ऊंची। और लोग शायद आपको आपको जय श्री राम, और लोग आपको भी दे रहे हैं सही मम्मी। देखो अब मैं होगी बिल्कुल पैक। मम्मी की वो गए व्हीलचेयर और अब हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल से फोन आ गया आज ऑपरेशन होना है, अभी 10 बजे तक अब हमूंगा, और सब लोग प्रार्थना करिएगा जल्दी ऑपरेशन और सही जल्दी से सही हो जाएगी। कल नहीं मिलूंगी खड़ी हुई, आज रुकूंगी कल बगी बगी। कल शाम तक हो जाएगी सर डिस्चार्ज। चलो ठीक है चलो। मम्मी अभी भी इस उम्मीद से जा रही हैं कि मैं सही हूँ तो ऑपरेशन कैंसिल हो सकता है, डॉक्टर कह दे कि आप तो ठीक हो वापस जाओ। अभी भी ये उम्मीद है मम्मी को। मम्मी अभी भी क्या उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है कि डॉक्टर कहे कि एकदम तो ठीक हो, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल तो ठीक हो, जाओ घर जाओ घर। लगना की क्यों तो रही हो अभी, अगर ठीक हो तो मैं ठीक ही हूँ। मैं पेन किलर खा कर बहुत भक्के भी दिखा दूंगी। डेली थोड़ी खा रही है पेन किलर, दिन में 2 खा रही है और रोज एक ना तो बंद हो जाएगी। खा के सोई हूं, अब बंद हो जाएंगी। और सुनो मम्मी आप आओगे ना यहाँ, आपको इतनी बढ़िया सजी हुई व्हील चेयर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्या हुआ क्या? मैं दौड़ती दौड़ती चलूं। चलो अब बैठो, आओ बैठो। ठीक है भाई की तू सही है, तो कौन से तू तो लेक्सस ले लियो फिर बताना मुझे क्या ओला लेके आया है क्या हमारे साथ वहाँ पे। आऊंगा तो मैं देखो। अब थोड़ा सा शांत बैठेंगी, अब एक महीने शांत बैठेंगे डॉक्टर। लग रहा है मुझे सब एक महीने रुक सकती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, एक महीने मैं एक महीने यहाँ भी नहीं बैठ सकती। एक महीने ऐसे बिठाऊंगा आपको, मैं 2 दिन ऐसा ये बना है। ऑस्कर का इंतजाम हो जाएगा, ऑस्कर का। ऑस्कर चाहता है कुछ दिन में बैठ से लेके बैठा रहे। अरे हो जाएंगे जो मुझे याद करने वाला वो ये है। आज पता सुनो भमू आज ये कह रही थी सीरो को दोपहर बाद ना हॉस्पिटल ले आना एक बार इसको मुझे दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ लेकिन वो ले लियो इसका पट्टा और वो भी जल्दी जल्दी। कैसा लग रहा है? खुश हूँ मैं तो, देख ले कैसा लग रहा है। मैं आप, एकदम ही खुश हूँ। आप ज्यादा खुश तो पाई लग पाई यू खुश है? मैं ये खुश हूँ, पीछे पड़ गए। मैं इसलिए खुश हूँ कि सही तो हो जाएगी। मुझे पता डॉक्टर साहब ने कहा जितने दिन होंगे ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और ये मान नहीं रही थी, अब ये मान गई। एटलीस्ट हम जा रहे हैं, रास्ते में 1/2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और अगले 1 से 1.5 घंटे में इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मान क्या गई है, मुझे तो कोई अब भी कहता कि चल घर को, मैं तो तैयार हूँ। मम्मी तब भी बोली आयुर्वेदिक कोई कुछ हो तो देख लो। बता दो देखो आयुर्वेद से इसलिए नहीं होगा, इसकी हड्डी वो जो ना लिगामेंट वो अंदर से वो क्या टूट गया, फट गया है, फट गया, किरच किरच हो गई, क्या करा जाए। मुझे तो ऐसा लगा और उछल कूद ज्यादा कर दी। और बता रही हूँ अभी इसका है, मेरे को लग रहा है कि लेफ्ट का भी जल्दी कराना पड़ता दिखाएगा। मेरे को वही प्रॉब्लम लग रही है, मैंने दोनों ही एक साथ तोड़ लिए। अच्छा क्या करा जा सकता अभी है? पहले मैंने कहा अभी एक कराते हैं, दूसरा पे फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में। जल्दी जल्दी ना अगले साल कराऊंगी अब। हाँ अब वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना। डॉक्टर साहब बता ना, मम्मी बताएगी डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब भी बताएंगे ना, मैं चुपके चुपके दवाई खाती रहूंगी। मैं कहूंगी मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे जो कोई प्रॉब्लम ना हो रही मैं क्यों करा लूं। मैं ऐसे कहूंगी, ऐसे कह देना। देखो अब ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं आप सबकी, और जल्दी इसको सही होने के लिए आप सबकी इसको ब्लेसिंग्स आशीर्वाद आप सबकी दुआएं चाहिए। अगर मेरे को ऐसी कुत्ता फंता देखना है तो जल्दी से मेरे मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए और मैं जल्दी से एकदम ठीक हो जाऊं और फिर आपके बीच ऐसी कुत्ती नाचती नजर आऊं, क्योंकि मैं ऐसे
पड़े पड़े रहा नहीं जाता, मैंने खुद ही तोड़ ली अपनी टांग। अब दो चार दिन ब्लॉग्स तो मैं ऐसे बस ज्यादा उछलते कूदते 10-15 दिन नहीं मिलेंगे, लेटे लेटे से मिलेंगे कुछ। हाँ। लेटे बैठे, पर मुझे पता सब लोगों को पसंद आएंगे क्योंकि तुम्हें सब लोग तुमसे इतना प्यार करते तो हैं। भाई सीधी बात तुम है, जैसा भी दिखाओगे ना उसी को सब लोग पसंद करेंगे। सीधी बात है, यही मौका और यही टाइम है दिखाने का भम्मू की फैमिली कितनी स्ट्रांग है। या तो आप लोग अगर भम्मू को बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करते हो, फुल सपोर्ट दिल से करते हो, तो अब भी मम्मी के व्यूज पर कोई असर नहीं आएगा दूर दूर तक। और हम जानते हैं कि आप लोग साथ हो, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं कि मम्मी घर पे रेस्ट करें या कुछ भी करें। हमें पता है भम्मू की दुनिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत सपोर्ट। मैंने एक चीज देखी, इसके जो सपोर्टर और इसके जो फॉलोवर सपोर्टर, इसके फैमिली लोग इसके बहुत बिल्कुल कट्टर वो हैं, इसके बिल्कुल एकदम समर्थक, इसके दिल से प्यार करने वाले। इमरजेंसी हो गया, चलो चलो। तो और अब हम आ गए हैं अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद, अकॉर्ड में अभी आपका आज ऑपरेशन है। हैप्पी रहो। नहीं कोल्ड क्रीम बनाई है, कहाँ है तेरी? ऐसे भी अभी भी कोल्ड क्रीम चाहिए। हाँ मैं लगाऊंगी, मैं क्या कैसे कर रखा है, मैं क्या लगाऊं? यहाँ आ जाओ। यहाँ अभी अभी बस थोड़ी देर के लिए, यहाँ जब तक कुछ पेपर फॉर्मेलिटी और वो करेंगे कुछ टेस्ट वेस्ट। वो तो लगाएंगे जी, इतनी तेज लगाएंगे। ये हॉस्पिटल में भी हंगामा रखेगी, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी मैंने यहाँ से भेज दिया फोन। सिस्टर जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन, इसको थोड़ा यहाँ से निकाल दो, नहीं तब तक ये चुप शांत नहीं बैठेगी। ये एक काम कर दो, इसके दोनों पैरों के आदो दोनों के घुटनों में ना दोनों भी निपटा दो। क्यों कर दो दोनों के? देखो ये हो गई, वो यार रेडी। आपको पता है आप भी देखते होंगे बिलो रोटी ना खाओ, देखो ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं आप दूध पत्तू तो परेशान सी हो रही है, देखो सावित्री हो रही है। अरे नहीं बेटा, ये इनकी भतीजी है। नहीं तब भी किस लिए, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, पेशेंट लग रही है। नहीं नहीं बेटा, इसकी बुआ का ऑपरेशन हो रहा है तो इसलिए रो रही है। और वो तो कितनी खुश है, देखिए वो तो नहीं हो रही, तू क्यों रो रही है? अभी मेरे को बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है एकदम। फटाफट कराऊंगी और फटाफट आपके सामने एकदम कराने के बाद मैं नाश्ती पूछती फिर नजर आऊंगी जल्दी से। बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी क्या क्या लग गया? अभी यहाँ पे कुछ टेस्ट लेके गए, ब्लड लेके गए तो वो टेस्टिंग के लिए, अभी इसी में ही चढ़ेगा जो भी कुछ है। सही बात है आपका, तेरा सोचना टोटल वाजिब है। डोंट वरी एट ऑल, वी टेक बेस्ट केयर, शी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एकदम रिलैक्स रहो, टोटल रिलैक्स। भाई भाई मेरे सर्जरी, अरे सुन लो तो सर्जरी है ही नहीं ना, ये तो दूरबीन से करना है, समझ गए? पेशेंट बेहोश, सुनो मेरी बात, पेशेंट बेहोश हो नहीं रहा है, ठीक है, पेशेंट कोई इंसिजन दे नहीं रहे हैं, सो दिस इज आर्थ्रोस्कोपी ना, वी आर नॉट गिविंग एनी इंसिजन, वी आर नॉट गिविंग एनी एनेस्थेसिया, तो तुम क्या चिंता करी, ठीक है? देखो तो मम्मी तुम्हारी इमोशनल हो रही है, हंस रही है सोनी तेरी मम्मी, हंस रही है, मिक्स है, मिक्स है, मिक्स है, बात करो, बात कर ले बेटा, बात कर। अरे मोटी बोल दिया, ऐसे चलो ठीक है, क्या करे क्या बताऊं?
मार्किंग लग गई है कि इसी का ऑपरेशन होना कहीं गलती से इसमें ये डॉक्टर साहब हैं, ये अकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर योगराज जी, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और खुद ही इनका ऑपरेशन, खुद ही सर्जरी कर रहे हैं। बात करानी है उनसे, वीडियो कॉल बोल रही है। हाँ मैं तो खुश होके कराऊंगी, और तुझसे हमने झूठ बोल दिया कि 1 तारीख के बाद कराऊंगी, वरना तू बोल रही थी कि मेरे को जाना ही नहीं है अभी दर्शन करने। कोई बात नहीं, अब तो दर्शन कर का फिर मिलते हैं। संडी पता, संडी पता ये क्या कह रही थी, मैंने संडी को इसलिए झूठ बोला, नहीं तो वो मम्मी के साथ ना दर्शन करने नहीं जाती, मेरे ऑपरेशन की वजह से रुक जाती। नहीं संडी वैसे झूठ नहीं बोला बेटा, उस समय 1 तारीख के बाद का ही था प्लान बेटा। हाँ ये अचानक से डॉक्टर साहब ने सबने कहा कि तुरंत करा लो, इसलिए कराया बेटा, है ना? अब तो नाराज नहीं है ना? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल एकदम खुश मस्त। नहीं नहीं नहीं, तू दर्शन करके आ फिर जल्दी से आ जाइयो मम्मी के पास, दर्शन करके फिर आना। ठीक है बेटा, बाय बाय बाय। ठीक है मम्मी के लिए दुआ मांग जा रही हूँ, वहाँ प्रार्थना करना मम्मी के लिए, रिकवरी जल्दी हो जाए। हाँ मैं ध्यान रखूंगा पूरा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अभी एक्सरे के लिए ले जाओ, एक बार फिर से होगा एक्सरे, और क्या क्या कुछ टेस्ट होंगे अभी जो ऑपरेशन से पहले होते हैं। व्लॉग की हमें व्लॉग की चिंता हो रही है, मेरा व्लॉग दिखा दो जरा, मतलब ओटी में जाने वाली यहाँ से इको होने वाले और सीधे ओटी जाएगी, और व्लॉग और ये देखना रील भी डल गई, नहीं डली कौन सी डली है डल गई देख लो ना, तुम दिखा रही तारी होगी स्टाफ पर कैसे लग रहे हैं अंडे पतले देखो पेशेंट आपने ऐसा बहुत कम आता है, इतना हंस रहे हो। हाँ हाँ ऐसे पेशेंट कम होते हैं, आपको ना फिर बाद में फील नहीं होगा कि कहीं हॉस्पिटल गए कहीं डॉक्टर से मिले, इतना कोऑपरेशन कहाँ से मिल सकता है, नहीं बहुत अच्छा है। ठीक है, कभी तो ये इतनी कम्फर्ट नहीं, ठीक थैंक यू भाई, ये तो करना पड़ेगा मम्मी को, अगर मुझे मोटिवेटेड रखना है तो मम्मी के लिए इतने सारे देखो दिल वाले कितने प्यारे प्यारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मम्मी को बताते रहो तो मम्मी मोटिवेटेड रहती है बहुत ज्यादा, तो मम्मी मेरे को लेके इसलिए आएगी जैसे मम्मी मोटिवेटेड रहे यहाँ पर, देखो बहुत प्यार दे रहे हैं भाई लोग, बहुत प्यार देते रहो, धन दिल से निकल जाऊंगी, कम से कम 10,000 दिल अब तक आ गए हैं इसमें, तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मम्मी से, ऐसे देते हैं हमेशा ही, किसी का छोटा सा भी कुछ हो साइन होते हैं जरूरी है फॉर्मेट कंसेंट होता है कि हम अलाउ कर रहे हैं, हम राजी हैं, हमारे नॉलेज करते हैं क्या पता क्या हुआ, मैं अपने घर भाई चाय पी और फिर मैं आ गई वापस, तो मैं हमारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती हूँ कि पेशेंट को इस रूम से बाहर ना निकलना, मतलब हॉस्पिटल को चकमा देने वाली बात, तो आप चली ना जाए।
और मैं वो लगी लगी निकली थी जो बड़ा वाला बेटा है उसे लेके निकल गई थी। वो कह रहा था मम्मी क्या करी जान ली इधर ये ऐसे करो साथ में आना चाहिए था ना बेटा आना था ना वो रोने को हो गया मम्मी मुझे लेकर भी नहीं आप क्या रहे हाय। अब मेरी पूरी तैयारी हो रही थी वो कैप भी मेरा भूलन निकाल दिया गया अब ये पहना दिया मतलब कैप कब कब लगाई जाती है डरियो मत कुछ ऐसा मत बोलियो तो वैसे बताओ ये जनरल नॉलेज की बात है ये तो ऑपरेशन से पहले फांसी से पहले मुझे पता फांसी लगने वाली है दो टाइम पे कैप पहना जाता है मत बताओ भाई इतना मोटिवेशन मत करो मुझे खाना बनाते पे भी पहनते ये सब हम हो गए तैयार रेडी फॉर ऑपरेशन आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए इनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा और सब लोग इन पर और इनको आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की जरूरत है। थैंक यू और मैं जल्दी आ जाऊंगी दो दिन बाद ही नाश्ते कुत्ते नजर आऊंगी ऐसे इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स देनी है आपकी ब्लेसिंग्स से ही। चलो भाई मुझसे भी मिल रहे मुझसे नहीं सब जने मिल के बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चलो श्री राम। ऑपरेशन थिएटर है हम अब ये जा रही है ऑपरेशन के लिए आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है जल्दी निकल के आने वाली सब इंतजार करो मेरा मैं आ रही हूँ और वो वाला भूमू का रूम हमने दिखा दिया था ये हमारे लिए है मतलब जो लोग आएंगे देखने या हम सब लोग हम सब लोग मिलेंगे तो भाई मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है और लिफ्ट को आने में टाइम लगता है पापा वगैरह सब लिफ्ट से आ रहे हैं हम तो भाग लिए सीढ़ी से देखा हम पे वेट नहीं हो रहा मैं देख क्या क्या चल रहा है छठा फ्लोर थक गया भागते भागते परसों लोग तो आए गए मेरे कहीं और निकल गए नहीं सिक्स बजे A few moments later. क्या वो भाई पागल बन गया हमारा उसने बोला सेवंथ फ्लोर तक सीढ़ी चले जाओ मम्मी सिक्स पर हम गए सिक्स फ्लोर बंद ब्लॉक फिर नीचे आए फिफ्थ फ्लोर पर वापस लिफ्ट से अब वहीं आगे लिफ्ट ले गया क्या ही कर लिया फोटो देख लिया आप लोग चलो बढ़िया ऑल गुड है ना थोड़ी देर में आप लोग मिल लोगे ठीक है सर देन शी विल शिफ्ट टू द रूम एंड शी विल टेक रेस्ट देयर अभी ऑपरेशन हो गया है और अभी उनको होश पाने में टाइम लगा अभी अंदर नहीं है ऑपरेशन थिएटर में फिर बताना आधा घंटे लगा तो हम लोग कहते हैं चल नीचे बैठे पर ये नहीं जा रहा ये यहीं है मम्मी के पास मेरे पास सब लोग रूम में चले गए कोई कहीं पर ये बस मम्मी के पास ही यहीं ऑपरेशन ओटी के बाहर ही खड़ा है तब से ठीक है पहले मिलूंगा देखूंगा उसके बाद कहीं कौन है बोलो विकी विकी और ये कौन है विकी विकी हैं विकी आपका ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल एकदम अच्छा रहा अब बस हां बस आ जाइए थोड़ी देर में ऐसे करो अरे वाह अरे गुड गुड मुगे दुनिया फैमिली बस बस विकी गुड विकी 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 छोड़ो अभी ऑपरेशन हो गया सब लोग आए हुए हैं सुबह की तो कुछ खाने पीने कैंटीन में जा रहे हैं सब और सुन हाँ एक चीज और नहीं सुनी इसका हाथ पकड़ लिया उसने ये जबरदस्ती इसका ये हाथ पकड़ा इसका यश का हाथ पकड़ लिया बेहोशी में हाथ पकड़ा था होश में नहीं फिर एक साथ सो गए मैंने हाथ छोड़ेंगे हाथ नहीं छोड़ के रोशनी ने जबरदस्त और बेहोशी में कह रही
रिकी बिकी रिकी बिकी शीरो कहाँ है, शीरो कहाँ है, शीरो कहाँ है, मुझे शीरो से बहुत लगा हुआ है। भैया वैसे कर दो अब हम खाना खा रहे, ऑपरेशन हो गया, अब हम खाना खा रहे हैं कैंटीन में, हॉस्पिटल की में पेन किलर ले रहे थे, पता नहीं कहाँ से। छोड़ी नहीं थी उसका हाथ में, याद है अब देखो देखो नहीं डील फैन लग गई अब मम्मी ये कौन है देखो मम्मी ये सीरो शीरो नहीं आ पाएगा कल बैठ जाएंगे शीरो और सर दोनों कल जानते हमें शीरो को कौन कर पाए विक्की मैं तो विक्की हूँ अच्छा ये तो वही वाली बात है मजनू भाई ये तो ये कौन छेड़ रहा था जल्दी कौन छेड़ रहा विक्की कर रहा है परेशान आपको जब से एक हफ्ते नहीं ना नहीं एक हफ्ते बाद मिलोगी मैं शीरो से पूरी बोल रेडनेस कहीं नहीं है अभी सेडेशन हां नॉट इन द उसमें है ना शादी जब मम्मी उठ जाएंगी ना मम्मी को दिखाऊंगा मम्मी अभी तो आप बेड पे हो थोड़े टाइम के बाद आप ऐसे होगी फिर तो ऑपरेशन को कम से कम जैसे कुछ 4 घंटे के आसपास हो चुके हैं सक्सेसफुल जो हुआ और मम्मी अभी तक सो रही है मम्मी अभी तक ना उठ नहीं पा रही है एनेस्थीसिया वगैरह का शायद कुछ कॉज है जैसे कुछ मम्मी उठ नहीं पाई अभी तक जितना सोएंगी उतनी जल्दी रिकवरी होगी उतना जल्दी रिकवरी करेंगी और अच्छे से करेंगे इंजेक्शन ऑयल लगवाने थे वो मम्मी लगवाई नहीं मैंने जो दूसरे लगाए जो एक मास्क का लगता है ना उससे जाता है मम्मी की बातें कर रही है यहाँ पे अपडेट ले रही है मम्मी क्या चल रहा है क्या लोग बोल रहे कितना प्यार दे रहे बेहोशी में भी शीरो को पूछ रही पहले रिकी विकी शीरो कहाँ है शीरो शीरो कहाँ है ये नीचे लगाऊं थोड़ा अब मैं जा रहा हूँ सुबह गुआ में है ठीक है जी और देखिए आप तेरी ननद पास में है तेरे साथ में तेरी भतीजी साथ में ममता साथ में कई लोग हैं यहाँ पे क्या करना मन कर रहा है बेटा मैं चलाऊंगा डिस्चार्ज कराने ठीक है
कल आ गई थी मुझे।